अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान अहमद है। जैसा कि आप मुझे अब तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, मैं आज आपको बताऊंगा यूनेस्को यूथ लीडरशिप वर्कशॉप जो कि 2020 में होने जा रहा है सोल कोरिया में, जो कि मई 25-31 तक चलेगा। ये फुली फंडेड यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस प्रोग्राम को जो कि एशिया एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो कि कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो कि छठा यूथ लीडरशिप वर्कशॉप कोरिया में होने जा रहा है। ये यूथ वर्कशॉप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यूथ लीडर्स को बुलाएगा, जिसमें लीडरशिप के हवाले से आपको बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ डिफरेंट ममालिक से आए हुए जो यूथ हैं ना लीडर्स हैं उनसे मिलेंगी, जो कि आप पहले कभी इसका एक्सपोजर आपको नहीं मिला होगा। ये एक बहुत ही बड़ा एक यूथ इवेंट होने जा रहा है साउथ कोरिया में। मैं आपको ये बता दूं कि ये फुली फंडेड है, जिसमें फ्री एकोमोडेशन है, मील है, लोकल ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ हमें वर्कशॉप में जितनी भी अन्य चीज़ें वो सारा मतलब वहीं पे आपको ऑर्गेनाइजर्स फ्राहम करेंगे। उसके साथ साथ राउंड ट्रिप जो इंटरनेशनल एयरफेयर है वो आपको कोरिया से, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पाकिस्तान से कोरिया, कोरिया से पाकिस्तान, वो आपके राउंड ट्रिप आपको वो देंगे। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देंगे, जो कि आपके करियर के लिए ही बहुत ही मुफीद है। एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, उसमें 19 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स की एज है ना दरकार है, जिसमें हम मिसाल के तौर पर आप बॉर्न बिटवीन 1991 में हुए हैं या फिर 2000 से में हुए हैं, तो 1991 और 2000 के बीच में जिसकी भी अनुपाल के पैदाइश है वो जो अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ आपको अंग्रेज़ी भी अंदर अच्छी बात होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि ना आईएलएस वगैरह की तरह के, लेकिन अच्छी बात है शामिल करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको लिंक अगर नीचे अगर शेयर कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें रीजन्स हैं वो एशिया पैसिफिक में रीजन है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन टोटल रीजन है अफ्रीका के 40 ममालिक शामिल हैं, अरब स्टेट के 12, एशिया एंड पैसिफिक के 39, यूरोप के 12, लातिन अमेरिका के 27 ममालिक शामिल हैं। अब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा, वो आपको फिल करना है, जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वाई यू अप्लाइंग इन दिस फॉर्म, तो आपको बड़ी का आंसर ऐसे भी आप दे सकते हैं कि मैं एक यूथ हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को एडवोकेट रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है, मिसलन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, पासपोर्ट की कॉपी सा आपको आना मांगी जाएगी, पासपोर्ट का नंबर मांगा जाएगा, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स आपसे मांगे जाएंगे या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, तो वो बहुत ही केयरफुली आपको फिल करके देखनी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मौका खास करेंगे उसके लिए उनका ज़रूरी है, उसको हाथ से जाने नहीं देना, ये एक बेहतरीन मौका है। तो शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मैं आपको नहीं मुझे ओपिन दे रहा हूँ, आप इस पर अप्लाई करें और बस मेरी हिम्मत अप्लाई करें, जितना हो सके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।